हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल छप्पन भूख में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आई हूँ वेज कटलेट के साथ। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखें ताकि आप इसे अच्छे से बना सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएँ ताकि जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसे आप देख पाएँ। देखिए, मैंने वेज कटलेट बनाने के लिए स्वीट कॉर्न लिया है, आनियन मैंने लिया है, कैप्सिकम मैंने लिया है, कुछ आलू मैंने लिए हैं, सूजी ली है, एक से दो के करीब मैंने चीज़ ली है, पनीर को मैंने छोटा छोटा काट लिया है, इतने छोटा छोटा आप भी पनीर को काट लीजिए, कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। हरी मिर्च मैंने काट ली है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च ली है मैंने, नमक और लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है। चलिए फिर आपको मैं एक बार इंग्रेडिएंट्स दोबारा दिखा देती हूँ। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने वेज कटलेट बनाने के लिए लिया है। इससे मैं आपको दो तरह के वेज कटलेट बनाकर दिखाऊंगी, एक पनीर की स्टफिंग वाले और एक चीज़ की स्टफिंग वाले। अब हम एक चॉपर लेंगे और उसमें अनियन को अच्छे से चॉप कर लेंगे, मीन्स अच्छे से उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। मैं चॉपर की हेल्प से कर रही हूँ बिकॉज इससे बहुत ही अच्छे से चॉप हो जाता है। देखिए, हमें इतना इसको बारीक बारीक काट लेना है प्याज को। इसी तरह मैं आलू को भी अच्छे से चॉप कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक आप आलू को भी काट लें और शिमला मिर्च को भी मैं साथ साथ इसको मैं काट लूँगी। सो आलू, शिमला मिर्च और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच के करीब मैं अब इसमें सूजी ऐड करूँगी। सूजी से क्या होता है, जो हमारे वेज कटलेट हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। 3 से 4 चम्मच के करीब आप इसमें सूजी ऐड कर लें। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न इसमें ऐड करूँगी मैं और थोड़ा सा मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। 2 से 3 चम्मच के करीब आप इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने हरी कटी हुई मिर्च ऐड करी है, थोड़ा सा मैंने काली मिर्च पाउडर ऐड करी है, स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी और 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। सभी को बिल्कुल अच्छे से मिला लें और इसको एक डो की फॉर्म में आप बना लें। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। पानी ऐड करने से क्या होगा, ये सौगी बन जाएगा और हमें इसको थोड़ा टाइट डो की फॉर्म में बनाना है, इसलिए मैंने पानी ऐड नहीं किया है। देखो, उसके बिना भी कितना अच्छे से बन गया ये, बिकॉज़ जो हमारी वेजिटेबल्स में मॉइस्चर होता है उससे अच्छा सा एक डो की फॉर्म में ये बन जाता है। हमें इसे गोल करूँगी और इसमें हम ऐड करेंगे पनीर। पनीर को बीच में भर दें और अच्छे से एक आप उसे एक शेप दे दें। आप इसे गोल शेप भी दे सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप उसको उस तरह से शेप दे सकते हैं। सुपर इजी स्नैक्स है ये, आप इवनिंग में भी बना के खा सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं। बहुत ही इजीली बन जाता है और ऑलमोस्ट सभी को ये पसंद आता है, क्योंकि पनीर तो सबको पसंद होता है और चीज़ तो सब खाते ही हैं। उसी तरह मैं दूसरा एक चीज़ वाला बनाऊंगी। इसमें मैंने चीज़ ऐड करा है, इसको भी मैं एक इसकी भी मैं गोल शेप बना कर मैं बना दूँगी। देखिए, एक बार आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से मैंने इसकी शेप बना ली है। इसी प्रकार मैंने सभी को, किसी को गोल को, किसी को मैंने लंबी शेप में बना लिया है। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ऐड करें, तेल को थोड़ा गर्म होने दें, फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारे जो वेज कटलेट हैं। बिल्कुल धीमे आँच में इसे पकाएं। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, जिससे क्या है हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। इसी बहाने घर में बच्चे वेजिटेबल्स भी खुश होकर खा लेते हैं। ज़रूर आप ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी वेज कटलेट की कैसी लगी। देखिए, थोड़े से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसको एक बार पलट लूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं इसको क्रिस्पी ब्राउन होने तक पकाऊँगी। और ये हैं हमारे वेज कटलेट बनकर तैयार। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और गरम गरम सर्व करेंगे। आप इन्हें मेयोनी, ग्रीन चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए,
तो ऐसी सिंपल और इजी रेसिपी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सिंपल और इजी रेसिपी वेज कटलेट की आपको कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि अगली रेसिपी में आप क्या खाना चाहेंगे।